तमिलनाडु में डीएमके नेता प्रवक्ता शिवाजी कृष्णमूर्ति ने भाजपा महिला नेता और एक्ट्रेस खुशबू सुंदर को पुराना ढोल बताया। विवाद बढ़ने के बाद रविवार को उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके कुछ घंटे बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने 3 जून को डीएमके के पूर्व संरक्षक कलिंगनार करुणानिधि के जन्मदिवस पर तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि पर भी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हमने 2 अन्य मंत्रियों को कुछ विभाग बांटे थे। गवर्नर ने कहा था यह गलत है, अगर वो कुछ कहते हैं तो उन्हें उस पर टिके रहना चाहिए। उन्होंने कहा था मंत्रियों के प्रपोजल को वो स्वीकार नहीं करेंगे, अगर वो वाकई में अपनी माँ से पैदा हुए होते तो अपनी बात पर टिके रहते, लेकिन बाद में वो पलट गए। वहीं DMK अगर कुछ कहती तो उस पर टिकी रहती है, भले उसके लिए उसे अपनी ज़िंदगी का बलिदान क्यों न देना पड़े। खुशबू ने रविवार को ट्विटर पर शिवाजी की एक अनवेरीफाइड वीडियो शेयर की। वीडियो में शिवाजी भाजपा नेता पर गलत कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर खुशबू ने लिखा कि इस आदतन अपराधी का गलत कमेंट DMK में चल रही राजनीतिक संस्कृति को दिखाता है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।